पावटा कस्बे में स्थित होटल ग्रीन पार्क पावटा में विराटनगर के कांग्रेस के पूर्व विधायक इंदिराज गुर्जर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वर्तमान भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था। आज जनता परेशान है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले अफसरों को भ्रष्ट बताते थे, अब सही बताते। साथ ही ईआरसीपी योजना में विराटनगर कोटपुतली के बांधों को नहीं जोड़ा गया है। जनता पानी के लिए परेशान है और इसके लिए 24 जनवरी को बस स्टैंड विराटनगर में धरना देकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का ऐलान किया गया है। नमस्कार साथियों, आज आप सब लोगों को हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, जिसके लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया। 2018 से लेकर 2023 तक ईआरसीपी की मांग को लेकर के हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी, केंद्र सरकार में भी हम बार बार इस बात का प्रयास करते रहे कि ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले। आप सब लोगों को ध्यान है कि पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हालात बहुत विकट हैं, धीरे धीरे पीने के पानी की भी समस्या हो चुकी है। सिंचाई की व्यवस्था तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 से लेकर 18 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के नाम से एक डीपीआर बनाई कि चंबल का जो ओवरफ्लो का पानी है उसको हम इस ईआरसीपी की परियोजना में काम लें, हमारे यहाँ के बांधों को भरें और भर करके यहाँ पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो। उस समय सरकार बदल गई, सरकार हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। लगातार हमने विधानसभा में भी, बाहर भी इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि पानी सबके लिए ज़रूरी है, पेयजल की स्थिति खराब है, सिंचाई की स्थिति खराब है, किसान बेरोजगार हो चुका है। हमने केंद्र सरकार से बार बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भी मांग की कि ईआरसीपी को अब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लगभग 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। राज्य सरकार अपने स्तर पर करने में इसमें सक्षम नहीं थी। हमेशा जो बड़ी परियोजना होती है उसको केंद्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है, जिसमें 90-10 की स्कीम होती है कि 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन जनता के हितों की कोई सुनवाई नहीं की। हमारे 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जीत के गए, किसी ने 5 साल तक ईआरसीपी का जिक्र नहीं किया राजस्थान, लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर। हमने हमारे स्तर पर, हमारी सरकार ने इसमें राशि, पिछली जब हमारी सरकार थी तो इसमें 13,500 करोड़ रुपये, 9600 करोड़ रुपये एक बार मंजूर किए, 13,500 करोड़ रुपये एक बार मंजूर। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देगी तो भी हम हमारे खर्चे पे ईआरसीपी को पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश है, जनता ने जो जनादेश 2023 में दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शायद वो यही चाहते थे कि हमारी सरकार बने, क्योंकि पिछली सरकार में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले जाए। मैं क्रेडिट की बात नहीं करता, मैं बात इतनी करता हूँ जनता को पानी चाहिए। मैंने बार बार विधानसभा में हमारी सरकार के खिलाफ भी बोला था उस समय कि जनता को पानी चाहिए, चाहे कांग्रेस दे या बीजेपी दे, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इस बात पर राजनीति होती रही। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुद्दे पर केंद्र में बात नहीं की। हमने बार बार निवेदन किया, नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया उस समय कि आप क्यों नहीं केंद्र सरकार में हमारे साथ चल करके इस बात पे चर्चा करें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मीटिंग भी दिल्ली में हुई ईआरसीपी को लेकर के, और यह तय हुआ कि 90-10 की स्कीम के तहत इस योजना को हम राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे और ईआरसीपी को लागू करें। मुझे भी खुशी हुई कि चलो सरकार कोई भी हो, जनता के हित में अगर काम करे तो बहुत अच्छी बात। हमारे क्षेत्र की जनता को भी इस बात की बहुत खुशी हुई। हमारे क्षेत्र की जनता ने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, कोटपुतली में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बहरोड में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बानसुर में भी दिया, जमारामगढ़ में भी दिया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। तो हमें खुशी हुई इस बात की कि चलो इनके हाथों से ही, लेकिन जनता का कम से कम इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है ईआरसीपी हमारा लागू होने जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है
कि जब गंगा बह रही है और उसमें अगर हमें एक लोटा भी नहीं मिले तो वो गंगा हमारे किस काम की। ईआरसीपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार ला रही है, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का, लेकिन विडंबना इस बात की, ये राजनीतिक उदासीनता इस बात की कि हमारे विराटनगर और कोटपुतली का एक भी बांध उसमें शामिल नहीं किया। हमारे बांध अगर शामिल नहीं होंगे तो आप बताइए ईआरसीपी का फायदा हम लोगों को क्या मिलेगा। ये मैं आपको राजस्थान पत्रिका की एक खबर दिखा रहा हूँ कि नई डीपीआर बन रही है, नई डीपीआर में 79 बांध नए जोड़े जा रहे हैं, जिसमें जयपुर जिले के रामगढ़ बांध, कालक, कानोता, छापरवाड़ा सिर्फ 4 बांध जोड़े। इतना बड़ा जिला जयपुर जिला, 19 विधानसभाओं का जिला जिसमें 4 बांध जोड़े हैं, और हमारे विराटनगर कोटपुतली के जो मुख्य बांध हैं इनको एक को भी इसमें शामिल नहीं किया। हमारे विराटनगर में मैंने मांग भी की थी इस बात की, मैंने सरकार से निवेदन किया ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी निवेदन किया इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र में छितौली बहुत बड़ा बांध, बूजा का बांध है जिससे कस्बे का पेयजल स्तर बहुत बढ़ेगा, पणदो है जिससे मेड़कुंडले का पेयजल स्तर बढ़ेगा, जवानपुरा धाबाई है उससे हमारी शाहपुरा की जो 8 पंचायत हमारी विधानसभा की उनका पेयजल स्तर बढ़ेगा, नीमली से हमारी बीच की पंचायतों का पेयजल स्तर बढ़ेगा, बड़ोदिया से हमारे जो पहाड़ों के बीच के जो गाँव बसे हैं कुंडले में उनका जल स्तर बढ़ेगा, पंच पहाड़ी पाछूडाला से हमारे 27 आ का जल स्तर बढ़ेगा, बनाड़ी व बुचारा बांध जिससे हमारे 27 आ के आसपास के इवन कोटपुतली तक, इन दोनों बांधों का इतना फायदा मिलेगा कि हमारा जल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में हमारे पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये विडंबना इस बात की कि पिछले 15 दिन पहले मैंने मांग की थी, और ये राजनीति में धर्म है कि जब प्रतिपक्ष किसी बात को उठाए तो सत्ता पक्ष को उस बात का